हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स रेसिपी। जब भी हम बच्चे का खाना बनाते हैं ना, तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसे हमें कैसे हेल्दी बनाना है और दूसरा उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है। और साथ के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी वेजिटेबल उसके फूड में कैसे ऐड करें और साथ ही उस खाने के अंदर बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे टेस्ट भरना है ताकि वो खुद लेके खाए। अब मैंने क्या किया है, एक में मैंने बॉयल आलू लिए हैं कद्दू कस के हुए, एक में मायोनीज ली है और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है चॉप की हुई है, टमाटर डाला है ये भी चॉप किया हुआ है और साथ ही मैंने बंद गोभी डाली है ये चॉप की हुई है। आप गाजर और खीरा भी ले सकते हैं और साथ ही मैंने धनिया डाला है। मतलब जो भी आपके बच्चे को वेजिटेबल्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और मसाले के तौर पर मैंने सिर्फ नमक और चाट मसाला डाला है, आप चाहे तो ऑर्गेनो और साथ में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला ताकि मैं कोई एक्सपेरिमेंट ना करूँ, बच्चे को मिर्च ना लगे, उसको टेस्ट ना आए। मुझे पता है नमक और चाट मसाला इनफ है मेरे बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया है। अब बात है इसको अट्रैक्ट कैसे करना है, वो तो होगी हेल्दी फीलिंग। ये जो आप स्टार देख रहे हो ना, ये मुझे ना मेरी गुड़िया के क्ले के बॉक्स में मिला था। मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ स्टार के शेप का बनाने का। मैंने ब्रेड को स्टार के शेप का काट लिया, बहुत केयरफुली काटना है और बिल्कुल इस तरीके से काटना है ताकि ब्रेड भी ना टूटे और शेप भी आ जाए। इसकी शेप प्रॉपर नहीं आई है, मैं साइज़ को साइड में रख दूँगी। अब मैं इसको प्रॉपर शेप दूँगी स्टार को फिर से कट करके। अब ध्यान से देखना कैसे मैंने अलग कर दिया स्टार के शेप का आ गया। अभी जो ढक्कन है ये गोल गोल घुमाने के लिए, ये बोतल का ढक्कन है मेरी गुड़िया का, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसको एज अ कटर यूज़ करती हूँ। मैंने इनको काट लिया है, एक में मैं भरूँगी आलू वाली फिलिंग जो मिक्स वेज की है और एक में मैं भरूँगी मायोनीज वाली फिलिंग। मैं मायोनीज कोशिश करती हूँ कम से कम दूँ, उसको मिक्स वेज की फिलिंग ज़्यादा दूँ क्योंकि मुझे लगता है मायोनीज कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए अनहेल्दी है। जब बड़ों के लिए है तो कभी कभी ही बड़ों को खानी चाहिए, तो छोटे बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ अपनी गुड़िया को कम से कम दूँ। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको फिल करके दिखाया है। मैं उसको कोशिश करती हूँ आलू और साथ में वेजिटेबल्स की फिलिंग दूँ। ऐसे करके मैंने 3-4 ब्रेड और बना लिए ताकि उसको जिसका भी टेस्ट आए वो खा ले। इस तरीके से काटने का मतलब है कि उसको अट्रैक्ट करना है। अब मैंने तवे पर घी लगाया है और अच्छे से इसको सेक लूँगी। अगर मैं इसको ना टोस्टर में सेकती, वो नहीं सीखते अच्छे से, नहीं सीख पाते, तो मैंने इसको तवे पे सिकाई की है और देसी घी में सिकाई की है। आप चाहे तो ओलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देसी घी में सेका है, ये अच्छे से सीख गए हैं और ये अब तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इनके ऊपर सॉस के साथ फेस आइज़ वगैरह बना सकते हैं और अच्छे से अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे तक पता है कि मेरी गुड़ इतने से अट्रैक्ट हो जाएगी तो ये अच्छे से सीख गए हैं, वो उठा के खा सकती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।